गाइस लोटस टेंपल तो पहुंच चुके हैं बट सबसे टफ पार्ट आ चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। मेरा नाम अभिषेक है। सो आज हम जाने वाले हैं लोटस टेंपल। मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैं और शुभम दोनों जाने वाले हैं लोटस टेंपल। वहां पे बहुत मस्ती करने वाले हैं, आपको सब चीज दिखाने वाले हैं, सारी जानकारी देंगे कि क्या किस दिन आप जा सकते हैं, कितने चार्जेस आपको पे करने होंगे, अंदर मंदिर में कोई आपका टिकट लगेगा या नहीं लगेगा। शुभम आपको ज्यादा जानकारी देगा इस बारे में क्योंकि शुभम ऑलरेडी जा चुका है वहां पे, मेरा फर्स्ट टाइम है। सो कुछ बताना चाहेंगे आप लोटस टेंपल के बारे में? तो दोस्तों बताना क्या है, चलिए चल के दिखाते हैं लोटस टेंपल की क्या होता है ये। और बाया मेट्रो जाएंगे, थोड़ी मस्ती होगी, हम थोड़ा इसमें क्लोजअप डालेंगे मेट्रो के भी। सो गाइज बिना किसी देरी के चलते हैं, ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं बिकॉज मैं लेट उठा। सो गाइज निकलते हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं, मेट्रो से एग्जिट ले रहे हैं, फाइनली कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन पे उतरे हैं शुभम और मैं दोनों। अब सीधा मैं आपको वहीं पे मिलते हैं लोटस टेंपल। गाइज लोटस टेंपल तो पहुंच चुके हैं बट सबसे टफ पार्ट आ चुका है, जहां पे लाइन लगती है, क्यू लगी हुई है, उसमें लगना है और मिनिमम मैं बताऊँ एटलीस्ट 200 से 300 लोगों की लाइन लगी हुई है। सो गाइज अब फाइनली लाइन में लगते हैं एंड लुफ देते हैं लाइन का। और सो गाइस यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन सेंटर में वीडियो शूट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, तो मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस पहले ये फॉर्म भर लेता हूँ। डेट गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ और मैंने परमिशन ले ली है, बट मुझे ज़्यादा परमिशन नहीं मिली है, मुझे थोड़ी सी परमिशन मिली है ताकि मैं आपको सूचना केंद्र इन्फॉर्मेशन सेंटर दिखा सकूँ। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि सूचना केंद्र क्या है। सो गाइस यहाँ पे तरह तरह की किताबें रखी हुई हैं। सो गाइस ये है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी वो मुझे मना कर रहे थे कि परमिशन नहीं ले सकते, शायद उनको पता नहीं था कि मुझे परमिशन है। सो गाइस यहाँ पे तरह तरह की अलग अलग धर्म की किताबें पुस्तकें रखी हुई हैं जो आप आराम से आके देख सकते हैं। यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, सो इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है ये। मैम मेरे साथ में हैं, वो हमें गाइड कर रही हैं ताकि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके बहाई धर्म के बारे में। सो यहाँ पे गाइस ये देखो कुछ किताबें भी रखी हुई हैं, मुझे दूर से अलाउ है तो इसलिए मैं दूर से ही दिखा रहा हूँ आपको। सो ये कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे है, काफ़ी पीसफुल एरिया आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हर धर्म के पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, हिंदू धर्म भी लगा हुआ है, बुद्धिस्ट भी लगा हुआ है, यहूदी धर्म भी लगा हुआ है गाइस। सो गाइस ये ही है कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटर। सो अभी मैं इन्फॉर्मेशन सेंटर से बाहर निकलता हूँ और मैं आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ। ओके गाइस
सो गाइज अब मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो मैंने सूचना केंद्र में पहले कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से मैंने परमिशन ली। ये मेरे पास ऑलरेडी परमिशन कार्ड आप देख भी सकते हैं। उन्होंने मुझे कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी दिया है इस पेपर पे, ताकि मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बता सकूँ। सो गाइज ये जो टेम्पल है इसकी जो मैं अगर आपको टाइमिंग बताना चाहूँ तो गर्मी में जो इसकी टाइमिंग है वो 8 to 6 है, मतलब सुबह 8 बजे आप आ सकते हैं, 8 से 6 तक आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और विंटर में आप जो टाइमिंग हो जाती है वो 8 से 5 हो जाती है, मतलब विंटर में डेज छोटे होते हैं, दिन छोटा होता है, तो उसको काउंट करते हुए 8 से 5 विंटर की टाइमिंग होती है। एंड गाइज ये बेसिकली 27 पेटल्स या 27 पंखुड़ी से मिलकर ये बना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक कॉन्टिनेंट में एक मंदिर है, तो हमारे यहाँ पे न्यू दिल्ली में ये मंदिर है। आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूट करने के लिए आपको मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं, कालकाजी मंदिर से उतर के वहाँ से आप इजीली, ये 100 या 200 मीटर्स की दूरी पे है। सो एक मैम ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, वो वीडियो में आना नहीं चाहते। साइलेंटली प्रे करना होता है आपको उस जो कैंपस है जिसमें 400 पीपल एक बार में आराम से बैठ सकते हैं, 400 बंदे आराम से बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। सो गाइज बहाई धर्म सभी धर्म को एक्सेप्ट करता है, वो सभी धर्म का यहाँ पे वेलकम करता है। हम सब मानते हैं कि धर्म एक है, सो इसलिए यहाँ पे कोई भी सभी को वेलकम किया जाता है। आप इजीली यहाँ पे कम्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जब से ये इनोग्रेट हुआ है 1986 से ये इनोग्रेट हुआ है, तब से यहाँ पर एवरी डे 10,000 to 12,000 पीपल एवरी डे विजिट करते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। सो गाइज अगर आपको आना है तो मैंने ऑलरेडी टाइमिंग बता दी है विंटर्स और समर दोनों को लेके, और यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं किया जाता या कोई टिकट आपको नहीं लिया जाता। फॉरनर या इंडियंस कोई भी या अलग कोई भी धर्म के यहाँ पे आके विदाउट एनी चार्जेस यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, यहाँ पे जब आप मेन कैंपस में जाते हैं उससे पहले आपको अपने शूज़ उतारने होते हैं, और एक आपको एक थैला भी या आप एक बैग कैरी बैग आपको मिलता है, और आप उसको एक सेंटर है वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। आपको उसके अगेंस्ट में एक बिल्ला मिलेगा या उसको आप टोकन कह सकते हैं, तो उसको आप कलेक्ट करके अपने पास रखिए। जब आप विजिट कर लें मंदिर में उसके बाद आप यहाँ से आके अपने शूज़ फिर से कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आगे मैं फिर से देखता हूँ, मैं आगे आपके कुछ मंदिर के क्लोजअप भी ले लेता हूँ। गाइज इसमें यहाँ पे ये भी मेंशन है, इवन ये इंटरनेट पे भी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है कि ये जो आर्किटेक्ट भाई ईरान के कोई आर्किटेक्चर थे जो फिलहाल कनाडा में रहते हैं, उन्होंने ये आर्किटेक्ट किया था। और उन्होंने इस तरीके से इसको आर्किटेक्ट किया था कि अगर आप इसमें बैठते हैं नेचुरल वाटर का भी सर्कुलेशन है, नीचे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो आप इजीली यहाँ पे आके एंजॉय ले सकते। सो गाइज अब यहाँ से आपको शुभम गाइड करेगा, वो कुछ क्लोजअप भी ले रहा है, उसके साथ साथ वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं ये कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है, और ये जो हमारा लोटस टेम्पल बना है ये 27 पीटल्स से मिलकर बना है, जिनको हम पंखुड़िया बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों इसमें जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये मैम ने हमें यहाँ पे परमिशन प्रोवाइड कराया है, जिसमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन में लिखा है इसके जो गेट्स हैं एंट्रेंस है वो 9 गेट्स हैं, और इसमें ये बहुत ही प्यारा है अंदर से दोस्तों, लेकिन हमें परमिशन नहीं है कि हम इसे अंदर से आपको दिखाएं। हाँ। तो हम इसका आपका ही क्लोजअप दिखाएंगे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही शानदार है। आप सभी का यहाँ पे वेलकम है, आइए इस ब्यूटीफुल प्लेस पे एक और यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा माइंड पीस मिलेगा जब आप अंदर जाके इसमें बैठोगे। एंड गाइस चारों तरफ पार्क बने हुए हैं, हालांकि वो हमें अलाउ नहीं है चलना, बट आप वहाँ से नज़ारा ले सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये एक मस्ट विजिट प्लेस है न्यू दिल्ली में, कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन से उतर के 100 मीटर्स या मैक्सिमम 200 मीटर्स की दूरी पे होगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और आप आकर यहाँ पे साइलेंटली प्रे कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, जैसा कि शुभम ने ऑलरेडी मेंशन किया कि आपको माइंड पीस मिलेगा। सो लिटरली गाइज इट्स ए मस्ट विजिट, एंड आई थिंक मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए थी वो मैं आई थिंक दे चुका हूँ। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का भंडार है, बट मैं जितनी कवर कर सकता हूँ वो मैंने कवर की।
गाइज ये वो एरिया है जहाँ पे हम शूज़ रखते हैं। यहाँ पे हमारे शुभम भैया उठा रहे हैं शूज़ कीपर। सो गाइज यहाँ पे यहाँ से आके आप इधर से आएंगे और यहाँ से अपने शूज़ कलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, मैंने वीडियो शूट की प्रोफेशनल तरीके से, मैंने एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शूट की। सो आफ्टर दैट मैम ने मुझे बताया कि उनके जो मैनेजर हैं, मतलब उन्होंने मुझे ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं करने दी अंदर, उन्होंने मुझे थोड़े टाइम के लिए परमिशन दी, बट जो परमिशन दी सूचना केंद्र में, थैंक्सफुल है उनके। हाँ, और उसके बाद हमने वीडियो शूट की थोड़ी, जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखाऊंगा, बट उन्होंने मुझे एक प्रोमिस तो नहीं है, उन्होंने मुझे बोला कि वो कुछ उनके जो मैनेजर हैं सूचना केंद्र के, कुछ फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड करा देंगे। सो आई होप कि वो हमें प्रोवाइड करा दे। इन केस अगर वो हमें प्रोवाइड करा देते हैं तो मैं वीडियो में उसको ऐड करूंगा और वीडियो को मोर इन्फॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो हाँ। जो भी हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं ऑलरेडी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके दोस्तों, सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने आपको दिखाया कि मैंने परमिशन ली। मैं परमिशन के बारे में भी आपको बताऊंगा एक वीडियो में कि कैसे परमिशन ले सकते हैं अगर आपको लेनी है तो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुभम ने मेरी बहुत हेल्प की है इस वीडियो में, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम एज वेल। एंड सो गाइज अभी ये ब्लॉग के लिए इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा, बताइए कि हमने कहाँ गलतियाँ की है, ताकि एक छोटा सा बच्चा अगली बार इस वीडियो को, जो भी वीडियो बनाए हम उसमें अपनी जो गलतियां हैं वो उसको सुधार सकें। तो दोस्तों बिल्कुल गाइस, आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, मजेदार और धर्म से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल्सो कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।